जिला कुरुक्षेत्र पुलिस ने रास्ता रोककर मारपीट करके गंभीर चोट मारने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना सदर थानेसर पुलिस की टीम ने गंभीर चोट मामले के आरोप में जोगिंदर सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह वासी गांव रामगढ़ थाना सदर थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करके वारदात में प्रयोग ट्रैक्टर व एसयूवी कार बरामद करने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि खुशवंत सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह वासी सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि वह अपने रिश्तेदार नवनीत कौर के साथ अपनी कार में जा रहा था। उसने तबीयत खराब होने के कारण जीटी रोड के साथ सर्विस लाइन पर अपनी कार रोक ली। उसी समय पीछे से सर्विस लाइन पर एक व्यक्ति कार में आया और उसने अपनी कार को उसकी कार के सामने लगा दी। उसके बाद उसके रिश्तेदार नवनीत कौर के साथ गाली गलौज, बदतमीजी व मारपीट की और उसकी कार से जबरदस्ती चाबी निकाल ली। फोन करके कई लड़कों को भी मौके पर ही बुला लिया। कुछ देर बाद अंकित, महावीर व सचिन पुत्र जोगिंदर सिंह वासी गांव रामगढ़ जिला कुरुक्षेत्र व 3 अन्य लोग बाइक व लाल रंग के महिंद्रा अर्जुन ट्रैक्टर पर आए। जोगिंदर ने यह कहते हुए कहा कि इनको जान से मार दो, ट्रैक्टर उसकी ओर चढ़ा दिया। इकट्ठे हुए लोगों ने मौके की वीडियो बनाई और उसे छुड़वाया। उन्होंने हमला करके उसे चोटें मारी जिससे उसकी कुल्हे की हड्डी टूट गई और वह बेहोश हो गया। बढ़ती भीड़ को देखकर वह सभी लोग अपनी गाड़ी व ट्रैक्टर वहीं पर छोड़कर मौके से भाग गए और राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। दोषी गणों ने उसकी गाड़ी छीनने व नवनीत कौर का अपहरण करने की नियत से इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच उपनिरीक्षक अमित कुमार को सौंपी गई। थाना सदर थानेसर के उपनिरीक्षक अमित कुमार, मुख्य सिपाही राजीव कुमार की टीम ने गंभीर चोट मारने के आरोप में 16 अगस्त को जोगिंदर सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह वासी गांव रामगढ़ थाना सदर थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया व उससे वारदात में प्रयोग ट्रैक्टर व एसयूवी कार भी बरामद की है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और उसके बाद अदालत के आदेश से जिला कारागार भेज दिया गया है।